नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर सरगर्मियां दिन प्रतिदिन चढ़ती जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नीट परीक्षा मामले को लेकर भी सरगर्मियां चढ़ती हुई देखने को नजर आ रही हैं, जहां पर एक तरफ बच्चों का भविष्य होता है परीक्षा, परीक्षा देकर बच्चे अपने भविष्य को पाना चाहते हैं, अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो वहीं जब परीक्षा लीक हो जाता है तो बच्चों के पूरे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इसी क्रम में आपको बताते चले कि नीट परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि इस मामले पर आखिरी निर्णय क्या लेना है, लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि वेदी राम उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, और अगर बात कही जाए सभा सपा पार्टी से वो विधायक हैं, जिनको लेकर अब उनका नाम पेपर लीक मामले में आ रहा है कि वेदी राम का नाम भी पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वेदी राम भी पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर वीरेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के सांसद है चंदौली से, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ओम प्रकाश राजभर जो सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के पार्टी के विधायक वेदी राम पर उन्होंने ब्लेम लगाया और कहा है कि वेदी राम और सुबह सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर का अकाउंट दोनों लोग का मिलान होना चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए इन लोग के अकाउंट के बारे में। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं यानी कि वीरेंद्र सिंह पूरा का पूरा वार कर रहे हैं वेदी राम पर कि वेदी राम पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं। और पेपर लीक मामले जुड़े हुए कहानी से आपको एक बात बताते चले, दरअसल कि पेपर लीक मामले से इसके पहले भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें विधायक वेदी राम का नाम जुड़ा हुआ मिला, उन पर कई ऐसे केस जो हैं दर्ज किए गए हैं और लगातार उनके ऊपर केस चल रहे हैं। लेकिन इस बीच नीट परीक्षा को लेकर एक और मामला आया है जिसकी सरगर्मियां लगातार उत्तर प्रदेश में चढ़ गई हैं वेदी राम के नाम आने से, कि वेदी राम का नाम जिस तरीके से आया। वहीं पर अगर ओम प्रकाश राजभर की बात कही जाए तो ओम प्रकाश राजभर से जब भी कोई इस बारे में सवाल कर रहा हो और बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो ओम प्रकाश राजभर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, साइड में हट जा रहे हैं, वो इस बारे में बिल्कुल भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस मामले पर क्या बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा लीक मामले को लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से जब परीक्षा लीक हो जाता है और बच्चों की अगर बात कही जाए तो लगातार बच्चों का ये कहना है कि सपने टूट जाते हैं, एक एक पैसे, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उसके बावजूद भी परीक्षा देने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए बच्चे एक एक रुपए जुटाकर या फिर उनके माँ बाप एक एक रुपए जुटाकर बच्चे का भविष्य बनाने के लिए परीक्षा करवाते हैं कि वो उनके सपने को पूरा करे। लेकिन जब परीक्षा लीक हो जाता है तो पूरे तरीके से बच्चों का भविष्य टूट जाता है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा निर्णय लिया है, जो भी परीक्षा लीक मामले में व्यक्ति पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, आजीवन कारावास होगा और 1 करोड़ रुपए उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिया है 10 वर्ष का आवास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चीज चेंजिंग देखने को मिल रहा है कि आजीवन उस व्यक्ति को कारावास यानी कि जेल के हवाले रहना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि वेदी राम को लेकर जो सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में चढ़ी हुई है वो कितना सच साबित होता है या फिर कितना झूठ साबित होता है। और इस पर ओम प्रकाश राजभर का अभी तक बयान ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव आया है। कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी जताना चाहता है कि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही विधायक का नाम आ रहा है और इस पर अभी तक सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि वेदी राम उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि नीट परीक्षा मामले में वेदी राम का शामिल होना जाहिर सी बात है आजमी है कि सही साबित हो रहा है। अब देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर इस मामले पर क्या एक्शन ले रहे हैं या फिर वेदी राम इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं और कितना सच और कितना झूठ है। फाइनल निर्णय अभी तक नहीं आया है कि वेदी राम इस मामले में संलिप्त थे या फिर नहीं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।